अतीत में हुए घटनाओं को इंसान बदल तो नहीं सकता, पर एक काम जरूर कर सकता है, जिन गलतियों की वजह से सर्वनाश हुआ था वो गलतियां दोबारा ना दोहराकर भविष्य सुरक्षित रख सकता है। भारत के इतिहास में जो भी ज्यादातर अहम युद्ध हुए थे उन पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि हारने वाले राजाओं ने सिर्फ एक गलती की थी। आज से लगभग 1400 साल पहले धर्म के प्रति अंधे लोगों ने सिंध प्रांत पर हमला किया था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध प्रांत के आखिरी हिंदू शासक राजा दाहिर पर बड़ा आक्रमण हुआ। राजा दाहिर ने अपने राज दरबारियों के लेखकों से कह दिया था कि अगर राजा दाहिर ये युद्ध जीत जाता है तो उनका राज्य सुरक्षित रहेगा, और अगर वो हार जाता है तो दुनिया में उसका नाम अमर हो जाएगा। अरब के साथ हिंदुस्तान के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। राजा दाहिर, जिसने अपने प्रांत को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, 1400 साल गुजर जाने के बाद भी राजा दाहिर का नाम अमर है। क्या आपको पता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई? दरअसल राजा दाहिर युद्ध के मैदान पर अपने हाथी के अंबर पर बैठे थे। अचानक से जलती हुई मशाल की भांति तीर आया और वो जमीन पर गिर गए। अक्सर बड़े युद्ध में राजा हाथी पर बैठ कर लड़ता है, पर अतीत में जो घटनाएं हुई थी उसे देखकर कुछ सीखना चाहिए था। 1553 में दूसरे पानीपत के युद्ध में अगर हेमचंद्र हाथी पर बैठकर युद्ध ना करते तो शायद इतिहास कुछ और होता। दरअसल उनकी मृत्यु का कारण मुगल सेना का एक आम सैनिक था। उसने हाथी पर बैठे हेमचंद्र पर लगातार वार किए, पर अंततः एक वार से हेमचंद्र घायल हो गए और भारत का इतिहास बदल गया। महान हिंदू शासक राजा राम राय को मारना इतना आसान नहीं था। इस कारण से धर्म के अंधों ने यूनिटी बनाई और विजयनगर पर आक्रमण किया। 1565 में हुए उस युद्ध में राम राय जीतने ही वाले थे, पर दुश्मन सेना ने अंधाधुंध तोप के गोले दागे। दुश्मन ने किसी पर निशाना तो साधा नहीं, पर राजा राम राय हाथी पर से उतरकर अपनी जान बचा नहीं पाए। अगर राजा राम राय उस दिन बच जाते तो इतिहास कुछ और होता। पानीपत की तीसरी लड़ाई में भी सदाशिव भाव पेशवा और विश्वास राव पेशवा हाथी पर बैठे थे। विश्वास राव युद्ध के मैदान में कहां गायब हो गए ये देखने के लिए सदाशिव भाव अपने लक्ष्य से चूक गए, और इस बार भी धर्म के अंधे लोग जीत गए।